हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 19 का पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। हमारे पिछले लेक्चर में हमने वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी के एक्सटेंशन के तहत प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे। अ डू नथिंग फंक्शन इज कॉल्ड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो उसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन इसका सिंटेक्स कैसे होते हैं, ये इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, कुछ नाम रखते हैं जैसे पर्सन। इस क्लास की बॉडी में मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने बनाया फन। अगर मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन की डेफिनेशन ना दूं तो मैं यहां सेमीकोलन लगा सकता हूं। ऐसे में माना जाएगा कि ये मैंने डिक्लेरेशन किया है फंक्शन फन का, जिसको शायद मैं क्लास के बाहर मेंबरशिप लेबल लगा के, यानी क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन लगाकर डिफाइन करूंगा। तो फन फंक्शन के बारे में ऐसा माना जाएगा कि ये मेंबर फंक्शन है, पर इसको आपने अंदर डिफाइन न करके बाहर डिफाइन करना प्रेफर किया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस फंक्शन की डेफिनेशन ना अंदर ना बाहर कहीं पर भी नहीं देंगे, इसीलिए ये डू नथिंग फंक्शन होगा। पर ऐसा करने के लिए आपको असाइनमेंट 0 ये सिंटेक्स लिखना होगा, यानी फंक्शन के नेम के बाद असाइनमेंट और 0 लगा देना। ये एक स्पेशल सिंटेक्स है जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये फंक्शन डू नथिंग फंक्शन है। इसकी कोई बॉडी, इसकी कोई डेफिनेशन ना तो क्लास के अंदर होगी ना क्लास के बाहर होगी। अब अगर एक क्लास में ऐसा फंक्शन मौजूद है जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो अगर इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के इस फंक्शन को कॉल कर लूं तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट अगर फन फंक्शन को कॉल करेगा तो ये गलत है, क्योंकि फन फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को कॉल करना ही इलीगल होना चाहिए। इसीलिए सी प्लस प्लस वालों ने इस फंक्शन के कॉल होने पर रोक लगाने की कोशिश करी, यानी उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि इस फंक्शन को हम कॉल ही ना कर सकें। अगर मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैं फन को कॉल कर सकता हूं। तो रूल ये बनाया गया कि आप पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। अगर पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो फन फंक्शन कॉल भी नहीं हो पाएगा। ओके, अगर हम किसी क्लास में ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, असाइनमेंट 0 लगा के स्पेशल सिंटेक्स से हम ये बता देते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन कहीं नहीं होगी, तो ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। रीजन आपके सामने, अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कॉल हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाने पे रोक लगा दी। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि हम पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास तो बना सकते हैं। यस, हम जैसे एक और क्लास बनाए स्टूडेंट, राइट, और इनहेरिटेंस कर लें तो क्या होगा? तो होगा ये कि कोई पर्सन क्लास का भले ही ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, पर स्टूडेंट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना लेगा। और अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेगा तो भी तो फन फंक्शन को कॉल कर लेगा। यस, ये भी है। तो फिर हमें फन फंक्शन के कॉल को रोकना है, तो एक और नया नियम। अगर आप ऐसी क्लास जिसमें कि एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो ये कंपलसरी है कि चाइल्ड क्लास में आप उस फंक्शन की ओवरराइडिंग करें। ओवरराइडिंग क्या होता है? आप चाइल्ड क्लास में भी फन फंक्शन बनाइए और उसकी बकायदा कोडिंग भी करिए, यानी उसकी पूरी बॉडी होगी,
उसके अंदर कोड होगा। तो हमने फन फंक्शन को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, सेम प्रोटोटाइप लेकर हमने इसको डिफाइन किया है। तो भले ही पर्सन क्लास के अंदर यानी पेरेंट क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है, पर चाइल्ड क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। तो अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट फन फंक्शन को कॉल करेगा तो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट से हम ये बात जानते हैं कि चाइल्ड वाला वर्जन चलेगा। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनता है और फन को कॉल करता है तो चाइल्ड वाला फन कॉल होता है। पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि उसमें डू नथिंग फंक्शन मौजूद है। तो दो रूल्स हमने समझे, ऐसी क्लास जिसमें डू नथिंग फंक्शन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है तो हो सकता है कि पर्सन क्लास के अंदर कुछ और भी मेंबर्स हों, जैसे एक और फंक्शन है F1 और इसकी बकायदा डेफिनेशन भी है। ऐसा सोचिए, ये डू नथिंग नहीं है तो F1 फंक्शन को तो मुझे कॉल करना है ना। अब पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो F1 कैसे कॉल होगा? तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं F1 को कॉल कर सकता हूं। तो चाइल्ड क्लास बनाना जरूरी है अगर आप पर्सन क्लास को यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि पर्सन क्लास वाला फन फंक्शन कॉल हो पाए, इसलिए चाइल्ड क्लास में फन फंक्शन की ओवरराइडिंग करना कंपलसरी। तो दो रूल्स हैं, एक तो जिस क्लास के अंदर डू नथिंग फंक्शन है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उस क्लास को यूज करने के लिए आपको चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। दूसरा रूल है, न केवल चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी बल्कि उसमें ओवरराइडिंग भी करनी पड़ेगी डू नथिंग फंक्शन की। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में जो वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें यह देखा था कि अगर बेस पॉइंटर यानी पेरेंट क्लास के पॉइंटर से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराते हैं और पॉइंटर की मदद से हम ओवररिडन मेथड को कॉल करते हैं जैसे कि फन को, तो अर्ली बाइंडिंग के चलते पेरेंट क्लास वाला वर्जन चल जाएगा क्योंकि पॉइंटर पेरेंट क्लास का है। तो इसका मतलब अभी एक और तरीका है कि हम पेरेंट क्लास में मौजूद डू नथिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस तरीके को भी रोकना था इसलिए अर्ली बाइंडिंग को रोकनी थी और इसीलिए फन फंक्शन को बनाना पड़ा वर्चुअल। इसका मतलब समझे आप, फन फंक्शन को वर्चुअल बनाकर आपने इसकी लेट बाइंडिंग करा दी, यानी अभी तक कंपाइलर डिसाइड कर रहा था पॉइंटर के टाइप के आधार पे कि कौन सी क्लास का फन फंक्शन चलेगा, लेकिन अब लेट बाइंडिंग होगी। लेट बाइंडिंग में पॉइंटर के टाइप को आधार नहीं मानेंगे बल्कि पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इसको आधार मानेंगे। तो अब कोई तरीका नहीं है कि पर्सन क्लास के फन फंक्शन को कॉल किया जा सके। तो ये फन फंक्शन जो आपने पर्सन क्लास में बनाया है इसको बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। यस, यही कहलाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब डू नथिंग फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं होगी। अच्छा, कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती, तो सी प्लस प्लस में अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो आप इसका जवाब देंगे कि वो क्लास जिसके अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है और ऐसी क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? अ क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब चाहे एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो या एक से ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वह एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और हम उसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यानी वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, यही सवाल कई बार जावा में पूछा जाता है कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है ये बात तो सी प्लस प्लस में भी वही है, जावा में भी वही है। क्या? कि ऐसी क्लास जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जा सके वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते कैसे हैं? तो सी प्लस प्लस में इसका आंसर अलग है और जावा में इसका आंसर अलग है। जावा में एक एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड होता है जो क्लास कीवर्ड के पहले लिख दिया जाता है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। लेकिन सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड नहीं है, यहां पर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे जिस क्लास में वो क्लास कहलाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब एक बात और सुनिए, अगर किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है तो आप उसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे तभी आप उस क्लास को यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं पाएगा,
तो पर्सन क्लास के वो मेथड्स जो डिफाइंड हैं, वो मेंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन नहीं है, लेकिन चाइल्ड क्लास बना सकते हैं और वहां से आप पर्सन के मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो चाइल्ड क्लास हम बना रहे हैं, स्टूडेंट क्लास, इसके अंदर आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप फिर से इस फंक्शन को प्योर वर्चुअल डिक्लेयर कर दीजिए। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप स्टूडेंट क्लास के अंदर भी वर्चुअल वॉइड फन साइन जीरो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख देने से क्या होगा, ये फिर से क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। यानी स्टूडेंट क्लास में भी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो फिर तो स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन इन दोनों में से एक काम करना जरूरी है, या तो आप फंक्शन को डिफाइन करिए, ओवरराइड करिए, या फिर आप उसको अगेन प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दीजिए। अब अगर स्टूडेंट क्लास में भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो स्टूडेंट क्लास भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, स्टूडेंट क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो फिर आपको फर्दर एक चाइल्ड क्लास तो बनानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं बनाएंगे तो इन दोनों क्लास को यूज तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें इसकी भी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी और उसमें फिर से फन फंक्शन को हमको डिफाइन करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते क्यों हैं, हम प्योर वर्चुअल फंक्शन आखिर क्यों बनाते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाते हैं, उसका एक रीजन तो हमें समझ में आ रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाना चाहते हैं ये पहले क्लियर होना जरूरी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाना चाहते हैं, इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम क्यों चाहेंगे कि एक क्लास बनाए लेकिन उसका ऑब्जेक्ट ना बने, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनानी पड़ रही है, जिसका नाम मैं रख लेता हूं स्टूडेंट। ओके, और इसी तरीके से मुझे इसी प्रोजेक्ट में एक और क्लास बनानी पड़ रही है, लेट्स से फैकल्टी। तो ये दो अलग अलग क्लासेस होंगी, स्टूडेंट क्लास एंड फैकल्टी क्लास, लेकिन देखा जाए तो दोनों में बहुत कुछ कॉमन क्या है, जैसे स्टूडेंट का भी नाम होता है, फैकल्टी का भी नाम होता है, फोन नंबर दोनों के होंगे, एड्रेस दोनों के होंगे, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों में कॉमन है। और वो कॉमन इसलिए है क्योंकि इन जनरल ये दोनों ही पर्सन है। यस, तो एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में जनरलाइजेशन का, तो हमें जनरलाइजेशन करना चाहिए। अब जनरलाइजेशन क्या है, यदि कोई दो क्लासेस एक ही कैटेगरी की सब कैटेगरी है तो हमें वो कैटेगरी बनानी चाहिए। ये हमने बना दी एक और कैटेगरी जिसका नाम हो गया पर्सन। ये कैटेगरी बेसिकली इन दोनों की सुपर कैटेगरी है, और ये दोनों ही की दोनों क्लासेस, स्टूडेंट और फैकल्टी, पर्सन की चाइल्ड क्लासेस होंगी। एम आई राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पर्सन क्लास बना के हमने जनरलाइजेशन कर दिया है, यानी एक ऐसी जनरल क्लास बना दी है जिसमें वो सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे जो स्टूडेंट फैकल्टी में कॉमन है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होंगी जो केवल स्टूडेंट क्लास में होंगी, फैकल्टी में नहीं होंगी, तो वो केवल स्टूडेंट क्लास में बनाई, जैसे रोल नंबर फैकल्टी का नहीं होगा, पर फैकल्टी की सैलरी होगी जो स्टूडेंट का नहीं होगा। तो ऐसे कुछ मेंबर्स होंगे जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट में होंगे, स्पेसिफिकली फैकल्टी में होंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे वो हमने पर्सन क्लास में बना दिए। फायदा क्या है, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। अब पर्सन क्लास के अंदर आपने वो कॉमन फीचर्स डाले हुए हैं, तो एक बार लिखा है और वो दोनों क्लासेस यूज कर रही हैं। कल को एक और तीसरी क्लास बनती है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, तो वो भी पर्सन की चाइल्ड क्लास बन जाएगी और वो सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो पर्सन क्लास में है वो इनहेरिटेंस के चलते उसको भी मिल जाएंगे। तो हमारे एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, हमारा आर्किटेक्चर ज़्यादा मेंटेनेबल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल जगह सेम चीज़ों के रेप्लिका होने से बेहतर है कि एक सिंगल जगह पर वो हों। तो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोडिंग एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए।
अच्छा, अब आप सोचिए अगर इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फैकल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एक फैकल्टी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट करेगा? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन ओनली। हम शायद इस सिस्टम के अंदर या तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं या फैकल्टी की। केवल किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन रख के हम क्या करेंगे? मतलब हम इस सिस्टम के अंदर अगर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं तो हम बकायदा उसका रोल नंबर भी रख रहे हैं, उसका नाम भी रख रहे हैं, उसकी एज भी रख रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर भी रख रहे हैं, एड्रेस भी रख रहे हैं। अब केवल नाम और फ़ोन नंबर रखने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्टूडेंट है कि फैकल्टी है, कौन है? इसीलिए पर्सनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनना ही गलत होगा इस सिस्टम में। तो पर्सनल क्लास बनाए क्यों? जस्ट टू प्रोवाइड कॉमन फीचर्स ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी क्लासेस। तो पर्सन क्लास आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत अच्छी है, मेंटेन करने के लिहाज से बहुत अच्छी है। हमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, कुछ और नई क्लासेस बनानी पड़ेंगी जैसे कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो वो पर्सन की चाइल्ड क्लास बन जाएगी। इस लिहाज से बहुत अच्छी है पर्सन क्लास, लेकिन पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। अब ये फोर्स कैसे डालेंगे? आप सिंपल पर्सन क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दीजिए। अगर पर्सन क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पे हम सोच सकते हैं कि भाई ये क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, तो ऐसी क्लास को हम बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का एक और फायदा है। पर्सन क्लास में जो भी फंक्शन को मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाऊंगा, ये फोर्स होगा कि उसकी चाइल्ड क्लासेस को वो फंक्शन डिफाइन करना ही होगा। तो हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना के एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं, एक तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, दूसरा चाइल्ड क्लासेस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, ये वाला फंक्शन तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होगी जो पर्सन की सभी चाइल्ड क्लासेस को डिफाइन करनी पड़ेगी और पर्सन के रिस्पेक्ट में उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे होती अकाउंट क्लास, यहाँ होती सेविंग अकाउंट, यहाँ होता करंट अकाउंट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन पर अकाउंट क्लास में होना चाहिए जो कि एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता, क्योंकि अकाउंट के लिए तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन सेविंग अकाउंट जो कि एक्चुअल में एक अकाउंट होगा उसके लिए उसको डिफाइन करना ज़रूरी होता, करंट अकाउंट तो उसके लिए डिफाइन करना ज़रूरी होता। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन हम फोर्स कर सकते हैं कि चाइल्ड क्लासेस डिफाइन करें ही करें। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप हमेशा कमेंट्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और यदि आपको इसमें समझने में कुछ भी दिक्कत गई है और आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि पहले आप पिछले लेक्चर्स देखिए, जिससे यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजीज आई थी लाइक ओवरराइडिंग क्या होती है, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा है, यहाँ वर्चुअल फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे को बात बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो भी बताइए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो आप इस तरह के और भी वीडियोज़ की अपडेट्स जानना चाहेंगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास हमेशा अपडेट्स आती रहती हैं जब भी कोई नए वीडियोज़ इसमें अपलोड किए जाते हैं। तो आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। थैंक यू।